और बात अब बेमेतरा की करेंगे, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 की स्थिति गंभीर है। उनको देखते हुए रेफर किया गया है रायपुर, जिसमें से 1 की मौत हो गई है। वहीं बाकी घायलों को बेमेतरा के ही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के सभी लोग हैं और जो एक पारिवारिक कार्यक्रम से पिकअप के जरिए वापस आ रहे थे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 15 से अधिक जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं, ये सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। इस घटना में करीब 9 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हैं। और ये देख सकते हैं जो घायल या जो मृतक हैं उनके चप्पल यहाँ पे रखे हुए हैं, कंबल रखे हुए हैं। इसी पिकअप पे ये लोग सवार थे और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इस पे सवार थे। कुछ बच्चों की भी इस सड़क हादसे में दर्द जो मौत है वो हो चुकी है, कुछ लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के संवेदना व्यक्त की है। फिलहाल अब जिस जो स्थिति है वो ये है कि लगातार जो मृतक हैं उनके जो डेड बॉडी है वो गांव पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इतनी बड़ी भीषण सड़क हादसा हुई तो हुई कैसे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। फिलहाल ये तमाम चीजें जांच का विषय है, जांच के बाद स्पष्ट होने की बात जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है।